तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो आज दिनांक 10 सितंबर है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आगरा से। तो आगरा में 37-97 आलू जो है कई दिनों से 1200 से 1520 रुपए तक बेच रहा था, पर आज के डेट में आलू के दामों में सभी जगह गिरावट हुई है। चलिए सुनते हैं कि आगरा में 37-97 आलू किस रेट में बिक रहा है। तो आगरा में 37-97 आलू 1200 से लेके 1450 रुपए सबसे हाईएस्ट प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। और साथ साथ में बीजा का भी रेट बताना चाहूँगा। जो बीजा का रेट होता है वो 1800 से 2000 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है, जिसमें वजन 52 किलो 300 ग्राम मिलेगा आप लोगों को। और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ आगरा के हैं इटावा, सिरसागंज, फिरोजाबाद, टुंडला, आगरा मंडल में जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे 1200 से लेके 1450 रुपए तक के हिसाब से प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं। और आगरा से जिस किसी भाई को संपर्क करना है तो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर इलाहाबाद मुंडेरा मंडी की। इलाहाबाद मुंडेरा मंडी में जो चीफ ओवर आलू होता है वो 3100 से लेकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, और जो गुल्ला आलू होता है वो 2300 से लेकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है। इलाहाबाद मुंडेरा मंडी का नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, करते हैं फरकाबाद की। तो फरकाबाद में पुखराज आलू होता है वो 1200 से लेके 1250 रुपए प्रति कट्टा, और जो खियाती आलू होता है फरकाबाद में जो खियाती आलू होता है वो 1220 रुपए से लेके 1270 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। और जो चिप सोना की बात करूं तो चिप सोना 1300 से लेके 1350 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। और अगर न्यू हाईलैंड की बात करूं तो 1400 से लेके 1450 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है चिप्स न्यू हाईलैंड आलू। और जो बाजारों में आजकल लेवाली बहुत ही कम है। अब बात करता हूं मैं कन्नौज की। तो कन्नौज में जो न्यू हाईलैंड आलू है वो 1400 से लेके 1450 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है कोल्ड के भाड़ा सहित। और अगर चिप सोना की बात करूं तो 1300 से लेके 1400 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। और अगर नखलों की बात करूं तो नखलों में चिप सोना जो आलू है वो 2600 से लेके 2780 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। और 37-97 की बात करता हूं तो वो 2300 से लेके 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। असल क्या था कि अभी वो 2800 से 2900 रुपए में बिक रहे थे नखलों में चिप सोना आलू, अब वहाँ पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट हुई है। अब अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल ही ऐसी जगह है जहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वेस्ट बंगाल में 1400 से लेके 1440 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं, जिसमें वजन 50 केजी मिलता है। बिहार समस्तीपुर की, तो बिहार समस्तीपुर में 2850 रुपए से लेके 2950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है C40। अब बात करूं बनारस की, तो बनारस में 37-97 आलू जो होता है वो 2600 से लेके 2750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है। अब मैं बात करता हूँ संभल की, तो संभल में पुखराज आलू जो होते हैं वो 2300 से लेके 2400 रुपए प्रति क्विंटल, और जो चिप सोना होता है वो 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, और जो सूर्या होता है वो 2600 से लेके 2600 ही रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। बीजा अगले महीने से बिकना स्टार्ट होगा, अभी वहाँ पे बिकना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी एमपी इंदौर की बात करता हूँ मैं। एमपी इंदौर में ज्योति आलू होता है वो 2500 से लेके 2800 रुपए प्रति क्विंटल, और जो चिप सोना बन होता है वो 2200 से लेके 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को बनाने का मकसद को ज़रूर पूरा करवाइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि ये वीडियो सभी किसान भाइयों तक पहुँचे, अधिक से अधिक आप लोग किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो को जो जानकारी है सभी किसान भाइयों को मिल सके। ऐसा करते हैं आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मिलते हैं कि न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।